की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2020 के तहत नए नगर पंचायत के गठन के लिए नए अधिनियम की सहमति मिली है। वही छठे वित्त आयोग की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। आजसू के विश्वासघात दिवस कार्यक्रम में रवाना होने से पहले आजसू नेता हरेलाल महतो ने कहा कि एक साल में हेमंत सरकार ने राज्य में एक भी विकास कार्य गवर्नमेंट नहीं किया है। चुनाव से पहले चुनाव के समय जो वादा किए थे वो वादा आज एक साल जो पूरा हो गया, इसमें कोई सरकार की उपलब्धि ने जितना वादा किए थे सब एक भी अभी नहीं कर पाए। उसी के दिवस में आजसू पार्टी उसका विरोध। चांडिल जाम से हुए विस्थापितों की समस्या को लेकर चांडिल अनुमंडल कार्यालय में ईचागढ़ विधायक सविता महतो की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस दौरान 25 परिवारों के बीच नई विकास पुस्तिका का वितरण किया गया। सहरसा में धान खरीद विशेष अभियान के तहत डीएम ने एक बैठक कर सभी पैक्स अध्यक्ष, किसान सलाहकार और विभाग के पदाधिकारियों को किसान से सहयोग करने की अपील की है। धान अधिप्राप्ति को लेकर गया के डीएम ने भी एक बैठक की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, पैक्स अध्यक्ष, प्रखंड कृषि पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। सहरसा में एक छात्र को अपराधी ने दिनदहाड़े गोली मारकर जख्मी कर दिया है। गंभीर हालत में छात्र का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वही पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी है। मुजफ्फरपुर में आंगनबाड़ी केंद्र से शराब बरामदगी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सराया के कर्जा थाना क्षेत्र से महिला सरपंच को 7.5 लाख रुपए नगद और शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। सरैया में डीएसपी सरैया को सूचना मिली कि कुछ अपराधी हैं जो शराब का कारोबार कर रहे हैं। इसमें एक सरपंच को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से 80 कार्टन शराब और उसके अलावा 7.5 लाख रुपए भी बरामद। सीतामढ़ी की डुमरा पुलिस ने शराब से भरे पिकअप को जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को भी दबोचा है। मधुबनी में एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने रात्रि गश्ती के दौरान अरेर थाना पहुंचकर थानाध्यक्ष को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं एसपी ने कहा कि लगातार चोरों और डकैतों पर नजर बनाए रखे ताकि जिले में कोई आपराधिक घटना न हो। छपरा में मशरक थाना पुलिस ने हथियार के साथ मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस दौरान शराब की खेप भी बरामद की गई है। सरायकेला में सड़क हादसे में महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के NH 33 पर हुए इस हादसे में मरने वाले सभी लोग आदित्यपुर माझी टोला के रहने वाले थे। सीतामढ़ी प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कई जगहों से अवैध कब्जा हटाया। इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को भी हटाया गया। बाढ़ में मुख्य पार्षद के आदेश पर कोरोना पॉजिटिव परिवारों के घर और प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज किया गया। इस पर इलाके के लोगों ने खुशी जताई है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के 67वें स्थापना दिवस के मौके पर सरायकेला इकाई ने चांडिल में स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। चांडिल में 24वें श्री श्याम जन्म महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न होने पर विवेकानंद केंद्र परिसर में लिट्टी पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें शहर के कई गणमान्य शामिल हुए।